दोस्तों आज हम पढ़ेंगे झारखंड करंट अफेयर पार्ट 5, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेट 7, 8 और 9 ये तीनों करवाने की कोशिश करूंगा। साथ ही मैं आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति जो 2021 है उसको बता दूंगा, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जो है उसको बता दूंगा, फिर नीति आयोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स उस तरह का, और कुछ कुछ मंत्रिमंडल के बारे में भी आपको बता दूंगा। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और लिखना शुरू कर दो। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 7 के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं तक जरूरतमंद लोगों की पहुंच आसान करने और राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पेंशन योजना, जॉब कार्ड सहित विभिन्न तरह के आवेदनों को मौके पर निपटारा करने के लिए 15 नवंबर 2021 को किस अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है झारखंड सरकार आपके द्वार, ऑप्शन बी है आपकी सरकार आपके द्वार, ऑप्शन सी है ऑन द स्पॉट, ऑप्शन डी है आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपके सर अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार। इसके तहत क्या क्या है कि सरकार के जो बहुत सारे योजना है, जैसे बिरसा हरित ग्राम योजना है, ठीक है, ये सब योजना आप पढ़ भी लेना, बिरसा हरित ग्राम हो गया, फिर पोटो हो योजना है, ठीक है, खेल वाला जो है, फिर फूलो झानो योजना है, ठीक है, फूलो झानो योजना है जो, उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा वाला जो योजना है जिसमें यहाँ के बच्चों को विदेश भेजा जाता है पढ़ाई करने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए। तो ये सब योजना में बहुत सारे गाँव के जो लोग हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है या फिर अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, तो उन सब लोगों के लिए कैंपेन शुरू किया गया था कि जितने भी लोग हैं जो इस योजना के लाभार्थी हैं वो आए, उन्हें सब कुछ समझाया जाएगा, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, और साथ ही ये भी याद रखना जो बिरसा हरित ग्राम योजना है, पोटो हो योजना है, इन सभी योजनाओं को मनरेगा से जोड़ा गया है, मतलब इन योजना में जो भी काम होगा वो मनरेगा के वर्कर जो है वो सब काम करेंगे, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं उनको रोजगार भी मिल सके। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार। ठीक है, 15 नवंबर 2021 को ही क्यों लॉन्च किया गया, क्योंकि इस दिन हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन था। उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर को उलिहातू में। उलिहातू कहाँ पड़ता है आपका, खूंटी गाँव में पड़ता है। ठीक है, अब हम आते हैं खूंटी डिस्ट्रिक्ट में, उलिहातू एक गाँव है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारा, 45 दिनों तक चलने वाला आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार। ठीक है, पिछला मैंने योजना बताया कितने दिन तक चला, वो 45 दिन तक, याद रखना। तो ये बोला जा रहा है कि इसका समापन कब हुआ, कब कंप्लीट हो गया। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 20 दिसंबर 2021, ऑप्शन नंबर बी 29 दिसंबर 2021, ऑप्शन नंबर सी 25 दिसंबर 2021, या फिर ऑप्शन नंबर डी 30 दिसंबर 2021। देखो, इसका जो समापन हो गया था ना 28 को हुआ था, ठीक है, 28 तक योजना चली थी, तो आप बोल सकते हो कि 29 को इसका समापन हो गया था। ठीक है, याद रखना 45 दिन तक योजना चली थी और 29 दिसंबर 2021 को इसका समापन हो गया था। ठीक है, ये योजना जो सरकार का है ना 2 साल हो गया था, उसी के शुभ अवसर पर इन्होंने लाया था। अब आया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ, ठीक है, झारखंड सरकार की जो दूसरी वर्षगांठ हुई 29 दिसंबर 2020 लिखा हुआ यहाँ पे, ये 2021 होगा। ठीक है, कलेक्ट कर लेना आप लोग भी। तो 2021 हो गया के अवसर पर निम्न में से किस योजना की शुभारंभ की गई। ठीक है, आपको बताना है कि जो निम्नलिखित योजना दिया हुआ है उसमें से किसका शुरुआत किया गया था 29 दिसंबर 2021 को। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना, ऑप्शन बी है आपका कुपोषण से लड़ने के लिए योजना। ठीक है, कुपोषण से लड़ने के लिए एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम है समर योजना। ठीक है, समार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है जो कि आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए उसको हमेशा याद रखना। ठीक है, उसका तीसरा हो गया आपका बिरसा ग्राम सह कृषक पाठशाला। ठीक है, बिरसा ग्राम और कृषक पाठशाला दोनों एक साथ हैं, तो ये योजना, तो या फिर ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखते हैं शॉर्ट में हम योजना, अगर हम देखें तो पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना जो है सरकार की जब दूसरी वर्षगांठ हुई, मतलब 2 साल जब हो गए सरकार के 29 दिसंबर 2021 को, तो उन्होंने ये सब योजना लॉन्च किया, 29 दिसंबर को ही ये सब योजना लॉन्च की गई है।
इसमें पत्रकारों को ना 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। कितने का बीमा दिया जाएगा? 5 लाख का। ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको, हाँ, पत्रकारों को 5 लाख का बीमा मिलेगा। ठीक है, और इसमें जो खर्चा है, जैसे बीमा मिलता है तो आपको कुछ पैसे देने होते हैं, तो इसका 80% जो खर्चा है वो स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार देगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर राज्य सरकार देगी, और 20% बस आपको देना है। ठीक है, और जो ये योजना है इसका लाभ जो है, जैसे पत्रकार है उनकी पत्नी को 21 वर्ष तक के लिए मिलेगा, और अधिकतम 2 अविवाहित बच्चों तक को मिलेगा। ठीक है, मतलब पत्नी और 2 बच्चे होने चाहिए। बच्चे कैसे होने चाहिए? उनका शादी नहीं होना चाहिए, तब भी उन्हें 21 साल तक इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक ना, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया पत्रकार। उसके बाद कुपोषण को दूर करने के लिए समर योजना हो गया आपका। इसका सरकार ने किया है कि भारत मतलब झारखंड में बहुत ज़्यादा एनीमिया है, स्टंटिंग है, मतलब बहुत लोगों का हाइट नहीं बढ़ रहा, बहुत लोग माल नोरिश्ड है, मतलब कुपोषण के शिकार है, तो उनके लिए योजना शुरू किया गया समर, SAMAR। समर का पूरा है SAMAR। इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनेमिक रिडक्शन। ठीक है, फिर से सुन लो, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ एम से माल न्यूट्रिशन एंड ए से हो गया एनीमिया, आर से रिडक्शन। ठीक है, आगे इसका फुल फॉर्म मैं आपको दे दूंगा, इसलिए टेंशन मत लो, सुन लो बस। उसका तीसरा योजना हो गया बिरसा ग्राम सह कृषक पाठशाला, वही बिरसा ग्राम योजना जो है उसके तहत। उसके बाद ऑप्शन डी है आपको, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब हमारा आया क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड सरकार द्वारा झारखंड टूरिज्म पॉलिसी को कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है 15 नवंबर 2019, ऑप्शन बी है 15 नवंबर 2020, ऑप्शन सी है 29 दिसंबर 2020, या फिर ऑप्शन डी 29 दिसंबर 2021। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, ये लॉन्च नहीं बोल सकते हो, ठीक है, घोषणा बोल सकते हो कि घोषणा किया था सरकार ने। सरकार ने बोला था कि हम घोषणा करते हैं कि हमारा टूरिज्म पॉलिसी होगा, तो उसकी घोषणा की गई थी आपको 29 दिसंबर 2021 में। ठीक है, जो झारखंड का टूरिज्म पॉलिसी है उसकी घोषणा कब की गई थी? 29 दिसंबर 2021 में। और इसे लॉन्च कब किया गया था? जो लॉन्च अगर आ गया आपका, मतलब ये लागू कब से हुआ, इसे लॉन्च कब किया गया? 23 जुलाई किया गया। ठीक है, 23 जुलाई को, मतलब आज कितना तारीख है? आज आपका 23 जुलाई है ना, आज ही के दिन इसका डेट था, इसका लॉन्चिंग डेट। ठीक है, जो आपका टूरिज्म पॉलिसी है उसका, तो याद रखना इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 5 में हम आते हैं, झारखंड सरकार द्वारा 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए है कृषक वर्ष, ऑप्शन बी रोजगार वर्ष, ऑप्शन सी नियुक्ति वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई ली। इसका जवाब देते हैं, मुझे बहुत हंसी आ रही है, तो आप लोग खुद ही इसका जवाब कमेंट बॉक्स में छाप देना। ठीक ना, इसको मैं स्किप करता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 से आ गया हमारा, झारखंड सरकार द्वारा किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब की गई थी? तो देखो, किसान कॉल सेंटर ना किस लिए होता है? जैसे किसान हो गया गाँव में है, तो वो बहुत ही पारंपरिक तरीके से, मतलब ट्रेडिशनल तरीके से खेती कर रहा, उसे पता नहीं कि अभी कौन सा बीज लगाएं, कौन सा खाद यूज़ करें ताकि हमारा जो प्रोडक्टिविटी हो मैक्सिमम होगा, तो वो एक फ़ोन करेगा और उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। उस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया किसान कॉल सेंटर। अभी आप बोलोगे तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर याद कर लेना, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है हमारे? बादल पत्रलेख। ठीक है, कौन है? बादल पत्रलेख। आप बुक लो ना, ऐसे ही उसमें लिखते जाओ, बैठ के इधर करोगे टाइम वेस्ट हो जाए, बुक में ही सब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लिखते जाओ, और मैंने PDF दिया है उसे जेरोक्स करा के, उसमें लिखते जाओ अगर PDF है तो। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको बताना है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19 जनवरी 2022। 19 जनवरी 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आपका सीएम सपोर्ट का फुल फॉर्म पूछ लिया गया आपसे, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, अगर नहीं देखा होगा तो वीडियो फिर से देख लेना। सीएम सपोर्ट जो आपका एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, जो झारखंड सरकार पेट्रोल में सब्सिडी दे रही है, जिनके पास बीपीएल कार्ड है उनको 250 रुपया का सब्सिडी मिलेगा, मतलब 25 लीटर का सब्सिडी मिलेगा, हर लीटर पे आप देख लो 10 रुपया, तो 10 लीटर का सब्सिडी मिलेगा और हर लीटर पे 25 रुपया, तो 250 रुपया आपके हो गए, ठीक है। तो आपको बताना है कि सीएम सपोर्ट का फुल फॉर्म क्या है। तो सेवन का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीएम चीफ मिनिस्टर सब्सिडी फॉर परचेज ऑफ पेट्रोल फॉर राइडिंग टू व्हीलर स्कीम, ठीक है। क्योंकि थ्री व्हीलर दे दिया, घंटा थ्री व्हीलर तुमको नहीं दिया है, टू व्हीलर दिया है, प्लेजर, खुशी थोड़े ना ऐसे कार्ड वर्ड ले जाके पेट्रोल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 8, बस चलो। झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन्य पेंशन योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये योजना, ठीक है। आज योजना पे आपको बता दे रहा हूँ कुछ कुछ, बाद में बोलोगे तो एक वीडियो भी बना दूंगा। सर्वजन्य पेंशन योजना, मतलब इंग्लिश में इसको बोलो तो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, ठीक है, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम। इसमें झारखंड सरकार ने क्या बोला कि भैया तुम कुछ हो, ठीक है, कोई हम कार्ड चार्ड कुछ नहीं मांगेंगे तुमको, ठीक ना, मतलब एपीएल कार्ड, ऐसे ही कार्ड पे कार्ड खेलते रहते थे लोग कि एपीएल लेके आओ, बीपीएल लेके आओ, ई लेके आओ, ऊ लेके आओ, तो बोला आप कुछ नहीं मांगेंगे, तुम्हारा 60 साल होना चाहिए और तुमको मिल जाएगा पेंशन, ठीक है। और पेंशन मिलेगा कितना भैया, तो पेंशन मिलेगा 1000 रुपया, याद रखना, हर महीना 1000 रुपया मिल जाएगा। भैया अगल बगल में कोई लाभार्थी है तो उनको सिखा दो, आप पढ़े लिखे हो तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि समाज में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको अवेयर करें इन सब स्कीम के बारे में, वरना आप भी रत्तू टोटा जैसा बस केवल स्कीम रटते जाओगे तो क्या होगा। जो अनपढ़ है, जो दूर दूर तक जिन्हों स्कीम के बारे में नहीं पता, उन्हें आप जागृत करो, ठीक है, अवेयर करो उन्हें। तो 1000 रुपया आपको मिलेगा इस योजना के तहत और हर महीने के 5 तारीख को ये आपके खाते में आ जाएगा, ठीक है। इसकी बाध्यता क्या है कि आपको टैक्स पेयर आपको नहीं होना है, बस, मतलब आपके पास इतना पैसा सैलरी नहीं आना चाहिए कि आपका टैक्स कटे, ठीक है, बस बाकी कुछ भी हो आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या था, इतना मैंने स्कीम के बारे में बता दिया, बाकी देखो क्वेश्चन। झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन्य पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं, मतलब इसके बेनिफिशियरी कौन हो सकते हैं। ऑप्शन ए है 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वृद्ध, हाँ भैया एकदम सही है। ऑप्शन बी है 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला, मतलब उसका कोई नहीं दुनिया में, ठीक है, मान लो यंग एज में शादी हो गया या कुछ हो गया, उसके पति का देहांत हो गया, घर वाले भी छोड़ दिए, तो उस तरह की महिला को भी मिल सकता है। फिर तीसरा है 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग, जो दिव्यांग लोग हैं उन्हें मिलेगा, या फिर HIV एड्स से जो पीड़ित है, क्योंकि उन्हें समाज में बहुत दुर्भावना का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें भी मिलेगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सर्वजन्य पेंशन योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको 4-3 स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं है, ठीक है, तो देखो फिर से इसे। पहला है ऑप्शन नंबर ए, पेंशन के लाभ हेतु बीपीएल परिवार के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त हो गई है, एकदम सही बोले भैया आप, तो हम तो पहले ही आपको बताया ना कि अब कार्ड का झमेला नहीं है, जो आपको बार बार लोग बोलते थे BPL, APL, CPL, CPL क्या क्या कार्ड ढूंढते लो, तो उसका झमेला नहीं है आपके पास। ऑप्शन नंबर बी है राशन कार्ड की बाध्यता समाप्त, अब आपको राशन कार्ड भी गला में लटका के नहीं घूमना है। ऑप्शन सी हो गया वोटर आईडी कार्ड से मिल सकेगा योजना का लाभ, बिल्कुल सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, झारखंड के किस महिला खिलाड़ी का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है, ठीक है, तो ऐसे आपको पढ़ना है, जो जो महिला का चयन किया उसका नाम एकदम रट लेना है, क्योंकि अगर एग्जाम में खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन आता है, जो कि जरूर आएगा आपके एग्जाम में, तो इस तरह का नाम जरूर आएगा, ठीक है, तो आपको ये रट लेना है। तो ऑप्शन है आपके अष्टम उराव, पूर्णिमा कुमारी या नीतू लिंडा, ठीक है, आपको बताना है क्या है करेक्ट आंसर, या फिर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों।
तो आपका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब ए और बी दोनों, मतलब अष्टम उराव और पूर्णिमा कुमारी दोनों क्या है, फुटबॉल प्लेयर। और कौन कौन है, अंजलि मुंडा है, सलीना कुमारी है, सुधा अंकिता है, अनीता कुमारी है, इन सब का चयन जो हुआ अंडर 17 फीफो वर्ल्ड कप में हुआ है। ठीक है, फिर से सुन लो, दो यहाँ बता दिए, टोटल 7 खिलाड़ी का चयन हुआ है। ठीक है, 7 खिलाड़ी में पहली हो गई अष्टम उराव, दूसरी पूर्णिमा कुमारी, तीसरी अंजलि मुंडा, चौथी सालिनी कुमारी सलीना कुमारी, पांचवी सुधा अंकिता, और छठी हो गई आपका अनीता कुमारी। ठीक है, तो एक नाम छूट रहा, पता नहीं कौन है, ठीक है बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम 11 में, झारखंड की कौन सी फिल्म कांस शॉर्ट फेस्ट फिल्म फेस्टिवल और द पाउस प्रीमियर फेस्टिवल के लिए नामित हुई है। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, झारखंड की कौन सी फिल्म कांस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल और द पाउस प्रीमियर फेस्टिवल के लिए नामित हुई है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेला। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपके किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा ही, और ये इसका करेक्ट आंसर है जनजातीय गौरव दिवस, क्योंकि ये जनजातियों के लिए गौरव का प्रश्न। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को आप। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय, ठीक है, बिरसा मुंडा की यादों को एक जगह इकट्ठा किया गया है, तो उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला, इसका निर्माण रांची स्थित पुरानी जेल में किया गया। ठीक है, आपको पता है बिरसा मुंडा के एक जेल में था जिसमें उन्हें टॉर्चर किया गया, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने बोला कि उनका हैजा मतलब कोलेरा के चलते उनका देहांत हो गया, तो वही पुराने जेल में इस संग्रहालय का, इस म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। अभी रांची में जो जेल है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, होटवार जेल में। ठीक है, होटवार में। अब यहाँ पे जो है ना, आपको लेजर शो होगा, एकदम खतरनाक लेजर शो, आपको तो जो जमशेदपुर वाले हैं वो तो जानते ही होंगे, जुबली जो पार्क है उधर लेजर शो होते रहता है टाइम टू टाइम। उसके बाद दूसरा है आपका, इसका उद्घाटन 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, तो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, अगर पीएम किसी चीज़ का उद्घाटन करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो गया, इसका निर्माण 142 करोड़ रुपया की लागत से किया गया, ये भी सही जवाब है। साथ ही एक चीज़ और ऐड कर लो इसमें, कि यहाँ जो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की जो मूर्ति लगेगी वो 25 फीट हाइट होगा उसका। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, झारखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकर दाता कौन है। ये तो बच्चों बच्चों को पता होगा, हमारा MST, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, हर मुंह में इनका फार्म हाउस है। बाकी महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आप फैक्ट याद कर लेना, कुछ कुछ एग्जाम में कभी भी पूछ देते हैं। ठीक ना, कि उन्होंने कौन कौन से जो वर्ल्ड कप है वो जीता है, उन्होंने पहला टेस्ट किसके खिलाफ खेला, पहला ODI किसके खिलाफ खेला, पहला T20 किसके खिलाफ खेला, वो सब आपको याद रख लेना है। अगर नहीं पता हो तो बताना, मैं कमेंट कर दूंगा या वीडियो बना दूंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, द पीपुल्स लीडर किनकी जीवनी पर आधारित पुस्तक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है द पीपुल लीडर जो है वो किनकी जीवनी पर ये पुस्तक आधारित है, मतलब किनका ऑटोबायोग्राफी है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी शिबू सोरेन, ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा, या फिर ऑप्शन डी सरयू राय। क्वेश्चन नंबर जो गायब हो गया, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरयू राय। ठीक है, और इस बुक को लिखा किसने है, विवेकानंद झा ने, यह भी याद रखना, विवेकानंद
झा ने इसे बुक को लिखा है। साथ ही सरयू राय की भी एक दो बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनहट नियुक्ति घोटाला जो मैंने आपको पहले ही बताया था, वो बुक याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। और दूसरा है लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, इस तरह का एक बुक है उनका, ठीक है, लम्हों की खता, वो भी सरयू राय का ही बुक है, ठीक है, ये आप याद रखना। इन्होंने जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे झारखंड के, उनको हराया था, ठीक है। अब हम आते हैं सेट नंबर 8 में, ठीक है। सेट नंबर 8 का हमारा पहला सवाल है, जूम कर लेते हैं क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है, इसमें बहुत आपको एक्स्ट्रा फैक्ट लिखवाऊंगा मैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, ठीक है। आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि थोड़ा सा टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक वो याद कर लेना, जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है नेशनल लेवल में उनको याद कर लेना, किनको किनको गोल्ड मिला था। नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ कुछ पढ़ लेना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट पूछते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में कितना गोल्ड मिला था, टोटल कितने मेडल मिले थे, फिर पैरालंपिक में टोटल कितने मेडल मिले थे, ये सब डायरेक्टली बीपीएससी और सीडीपीओ में आया हुआ है क्वेश्चन, तो आप भी याद रख लेना इस चीज़ को। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है, बताना है कि कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, तो आपको बताना है 1, 2, 3, 4, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। तीनों खिलाड़ी का क्या क्या नाम था, तो एक थी हमारी दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी जो तीरंदाज है, आर्चरर है, तीरंदाज, ठीक है। और दूसरी थी हमारी निक्की प्रधान, निक्की प्रधान, ठीक है। और तीसरी थी हमारी सलीमा टेटे, सलीमा टेटे, ठीक है। दीपिका कुमारी तीरंदाज से थी और निक्की प्रधान और सलीमा टेटे जो थी वो दोनों आपकी थी हॉकी से, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि हाँ, एक और पैरालंपिक प्लेयर थे अजय राज, ठीक है, उनका भी नाम आपको याद रखना है, अजय राज। और एक चीज़ और याद रखना, जो निक्की प्रधान है ना आपकी, निक्की प्रधान आपकी खूटी से बिलोंग करती है, ठीक है, निक्की प्रधान खूटी से बिलोंग करती है, और आपके जो सलीमा टेटे हैं वो सिमडेगा से बिलोंग करती है, ठीक ना। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तीरंदाज दीपिका कुमारी का यह तीसरा ओलंपिक था। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, दीपिका कुमारी नंबर 1 अभी आर्चरी में चल रही है, तो पहला उन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था 2012 के ओलंपिक में, और वो कौन सा ओलंपिक था, लंदन ओलंपिक जो था, LONDON लंदन। फिर उसके बाद उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 2016 में, 2016 में कौन सा ओलंपिक था, रियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में रियो ओलंपिक था। और फिर आपका हो गया 2020 वाला टोक्यो वाला, ठीक है, जो कि 2021 में हुआ था, तो इन्होंने तीसरा ओलंपिक था इनके लिए, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान का यह दूसरा ओलंपिक था, अभी का तो हमें पता है टोक्यो वाला, इससे पहले इन्होंने पार्ट किया था 2016 वाले में, ठीक है, 2016 जो रियो ओलंपिक है उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और याद रखना कि झारखंड से ओलंपिक खेलने वाली यह सिक्स्थ प्लेयर है जिन्होंने झारखंड से ओलंपिक खेला है, और पहली वुमेन हॉकी प्लेयर है, ठीक है, सिक्स्थ प्लेयर, छठवीं खिलाड़ी है जिन्होंने झारखंड के तरफ से भारत के लिए हॉकी खेला था ओलंपिक में। और अगर वुमेन की बात करें तो वुमेन में पहली नंबर पे, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी है, हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे का यह पहला ओलंपिक था, बिल्कुल सही, ये इनका पहला ओलंपिक था, ठीक है। इन्हीं की जो बहन है सलीमा टेटे की, इन्हीं की बहन का नाम है महिमा टेटे, ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, 14 जुलाई 2021 को निम्न में से किसे झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया, ये तो बच्चा क्वेश्चन आपके लिए, रमेश बैस ने किया था, और ये झारखंड के 10वें राज्यपाल थे, ठीक है, 10वें राज्यपाल थे।
और पहले राज्यपाल हमारे कौन थे? प्रभात कुमार। आपको बताना है झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगी थी और तीनों बार कौन कौन राज्यपाल थे, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। टोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रमुख खिलाड़ी निक्की प्रधान एवं सलीमा टेट्टे को झारखंड सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की गई, कितना पैसा दिया गया? 1 करोड़? ना भैया, 2 करोड़? अरे बाप रे, ना ना ना। 50 लाख? हो सकता है। 25 लाख? हो सकता है। तो 4 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 लाख। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। पेरिस में आयोजित विश्व कप तीरंदाजी प्रतियोगिता में दीपिका कुमारी ने 3 इवेंट में एक ही दिन में निम्न में से कौन सा 3 पदक जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीपिका कुमारी ने एक ही दिन में 3 गोल्ड जीत लिया, समझ रहे हो, 3 स्वर्ण पदक जीता। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। अब आते हैं हम 6th क्वेश्चन में। पेरिस में, मतलब वही पिछला वाला ही, पेरिस में आयोजित विश्व कप तीरंदाजी, मतलब पेरिस में जो वर्ल्ड आर्चरी जो चैम्पियनशिप होता था उसमें स्टेप 3 तीरंदाजी में रिकर्व मुकाबले में झारखंड की किन 2 खिलाड़ियों के साथ मिलकर दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता? तो आपको बताना है कि झारखंड की 2 और उनके साथ कौन तीरंदाज थी जिनके साथ मिलकर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो सी का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ए और बी दोनों, मतलब कोमलिका बारी भी हो जाएगी और अंकिता भगत। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैं प्लेयर का नाम बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते रह जाओ। अभी तक मैंने हॉकी के कुछ प्लेयर का नाम बता दिया, फुटबॉल के कुछ प्लेयर का नाम बता दिया आपको, शूटिंग बोल रहा हूँ मैं, आर्चरी के कुछ प्लेयर का नाम बता दिया, ठीक है। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। झारखंड रणजी क्रिकेट टीम के कप्तान और आईपीएल में मुंबई इंडियन के खिलाड़ी ईशान किशन, भर भर के इन्हें आईपीएल में पैसा मिला था, जिनका चयन T20 विश्व कप हेतु भारतीय टीम में किया गया का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इन्होंने अपने T20 अंतर्राष्ट्रीय कैरियर, मतलब इंटरनेशनल जो T20 इन्होंने खेला वो किसके खिलाफ खेला, कहाँ से शुरू किया था? इंग्लैंड से शुरू किया था, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी है, इन्होंने अपने 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय, मतलब ODI वनडे होता है जो, वनडे इंटरनेशनल की शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ की, ये भी सही है, इन्होंने वनडे अपना खेला था श्रीलंका के खिलाफ। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है ऑप्शन नंबर सी, यह मूलतः बिहार के रहने वाले, हाँ बिहार के पटना में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, बिहार के पटना में इनका जन्म हुआ था और बाद में रांची में आए, इन्होंने रणजी खेलना शुरू किया और रांची से ही ये खेलने लगे फिर धीरे धीरे, ठीक है। तो इतना हो गया आपका 7। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने वाली झारखंड की पहली खिलाड़ी कौन है? चलिए अब आपको कुश्ती की खिलाड़ी का भी नाम हम बता दे रहे हैं, मतलब आपका खेल खिलाड़ी पूरा खत्म करवा दे रहे भैया मजे से, ठीक ना। सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, वर्ल्ड रेसलिंग जो चैंपियनशिप होता है, कुश्ती मतलब रेसलिंग, ठीक है, भाग लेने वाली झारखंड की पहली खिलाड़ी कौन थी? तो ये खिलाड़ी मात्र 14 साल की थी, ठीक है, 14 ईयर एज थी, मतलब कितना मोटिवेशन होता है 14 साल में इतना इंटरनेशनल स्टेज पर परफॉर्म कर रही, आप लोग डर जाते हो छुटपुटिया एग्जाम से, हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम ही पूरा जिंदगी नहीं होता है, और भी बहुत कुछ है जिंदगी में, इसलिए हताश और निराश तो कभी नहीं होना है, 100% हर जगह देखो, नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्विच मारो कहीं और, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, बार बार मैं बोलता हूँ हिम्मत से हारना है लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, चंचला कुमारी, ठीक है, याद रखना चंचला कुमारी, ठीक है, इतनी चंचल थी कि पूरा बॉक्सिंग करती थी, धनादन धनादन धनादन, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। झारखंड एवं बिहार का प्रधान आयकर आयुक्त, मतलब इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स कमिश्नर जो हो गए, किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो 9 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राकेश मिश्रा, ठीक है। एक नीरज सिन्हा ऑप्शन में, इनको भी याद रखना, ये है अभी DGP झारखंड के, क्या है DGP, DGP का हिंदी में क्या होता है, पुलिस महानिदेशक, ठीक है, याद रखना।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में विद्रोह का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको बताना है झारखंड में विद्रोह का इतिहास जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए सरयू राय, ऑप्शन बी शैलेंद्र महतो, ऑप्शन सी सुदेश महतो या फिर ऑप्शन डी आभा महतो। तो 10 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शैलेंद्र महतो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में हम आते हैं, 9 अगस्त 2021 को विश्व आदिवासी दिवस। यहां से एक चीज और आपको पता चल गया, वर्ल्ड ट्राइबल डे। ठीक है, वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाते हैं हम लोग, 9 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस भाषा की लिपि, ओल चिक्की जो है किस भाषा की लिपि है जिसका कंप्यूटर टाइपिंग फॉन्ट जारी कर दिया गया। आपको कंप्यूटर का कीबोर्ड में इनका टाइपिंग फॉन्ट भी देखने को मिलेगा। आपको बताना है किस भाषा का लिपि ओल चिक्की। तो हमारे पंडित रघुनाथ मुर्मू, बोलो बोलो बोलो, संथाली। ठीक है, मुंडारी, मुंडालों का क्या है, मुंडारी। कुड़ुख किसका है, उराव का। ठीक है, हो, ठीक है, उसका संथाल मुराव। ठीक है, हो गया आपका। अब आ गया हम 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस फिल्म का चयन कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया। इस फिल्म के बारे में थोड़ी आपकी कहानी बताऊंगा, मतलब दिल दहल जाएगा आपको इसका कहानी सुनकर। ठीक है, बात तो इसका जो करेक्ट आंसर 12 का वो ऑप्शन नंबर डी है, धूमकुड़िया, धूपकुड़िया लिखा हुआ है, धूमकुड़िया इसका आंसर है। ठीक है, धूपकुड़िया नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। तो ये कहानी ये है ना कि ये 14 वर्ष के एक नाबालिग बच्चे की कहानी है, मतलब बच्चे की कहानी है, उसके साथ बहुत ही अन्याय होता है। एक फिल्म बनाने वाले एक जो मतलब सिंगर थे, गांव में जाते हैं झारखंड के, तो वहाँ देखते कि ये लड़की एकदम शांत है, तो उनसे बात करते हैं, फिर वह अपने मन की बात बताती है। तो यंग एज में ही उसे दिल्ली मुंबई कहाँ कहाँ बेच दिया गया था। ठीक है, मतलब चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस था ये। ठीक है, घर वाले और मोहल्ला वाले जो भी इधर उधर पैसे देके उस लड़की को बेच दिया था, प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में उतार दिया था। और फिर बाद में बोला जाता है इस क्रम में कितने बार इसका एबॉर्शन भी करा दिया गया और बहुत बार इसके साथ रेप भी किया गया, मतलब पूरे ज़िंदगी इसका नरक था। तो उसकी दशा को देख के ये जो आए थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसकी एक मूवी बनाया जाए, और उस लड़की से इतना प्रभावित हो गए थे कि इसके लिए उन्होंने अपना पूरा जमीन जायदाद सब बेच के उस मूवी में लगा दिया। क्योंकि बहुत बड़े तो नहीं थे, सिंपल गाना वाना गाते थे, तो उन्होंने अपना सब कुछ बेच के इस मूवी में लगा दिया और बाद में ये मूवी हिट हो गई। ठीक है, बहुत शुरू में स्ट्रगल इन्हें करना पड़ा, लेकिन बाद में एक सज्जन व्यक्ति ने इनकी मदद की और ये मूवी हिट हो गई। अगर टोटल आप देखोगे तो 30,000 झारखंड में 30,000 हमारी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता है, मानव तस्करी किया जाता है, प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में उन्हें ढकेल दिया जाता है। तो ये पूरी उनकी मतलब वो थी। ठीक है, और इनके डायरेक्टर जो थे नंदलाल नायक थे। ठीक है, नंदलाल नायक, कभी बाद में टाइम मिले तो देखना ये मूवी, मतलब समाज की सच्चाई को दिखाती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी विकास के लिए निर्धारित पैमाने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में झारखंड किस स्थान पे है। ठीक है, तो आपका ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका पहले आपको 13 का आंसर बता दे रहा हूँ, झारखंड 27वें पोजीशन में, मतलब 28 स्टेट हैं आपके पास, उसमें झारखंड सेकेंड लास्ट है। 28वां कौन है, और इसका भाई बिहार, बिहार झारखंड एक साथ है। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग नहीं, पहले हम बात करते हैं एसडीजी। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, या फिर आप हिंदी में इसको बोलते हो सतत डेवलपमेंट, मतलब विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य जो है उसके बारे में। तो ये जारी कब किया गया था, ये जारी किया गया था 2012 से ही इसकी पहल की जा रही थी कि
क्लाइमेट जो है या फिर रिसोर्सेज जो है, रिसोर्स का, संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन किया जा रहा है, एक्सप्लाइटेशन किया जा रहा, तो इसलिए हमें कुछ करना चाहिए। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या फिर सतत विकास लक्ष्य लाया गया कि हम लोग क्लाइमेट को, पर्यावरण को कम से कम नुकसान करें और अपनी आवश्यकता को कम करें, क्योंकि पॉपुलेशन इतना स्पीड से बढ़ रहा लेकिन हमारे जो संसाधन हैं वो उतना स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें कम से कम हर चीज़ खर्चना चाहिए। तो उसके लिए कुछ कुछ गोल आए, ठीक है। तो ये आया था कब, 2015 में। इसको किसने लाया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, याद रखना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने लाया। और इसमें जो गोल दिए गए हैं इसको आपको पूरा करना है 2030 तक, ठीक है, जितना भी देश है उसको 2030 तक पूरा करना है। और इसका पहला बार डिस्कशन 2012 में हुआ था, मैंने बताया था आपको, रियो डी जेनेरियो में इसका पहली बार डिस्कशन हुआ था। और टोटल 17 गोल हैं, ठीक है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मतलब सतत विकास लक्ष्य हैं 17। और इसमें 169, ठीक है, 169 आपको दिया गया टारगेट कि आपको इतने टारगेट पूरा करना है। साथ ही 247 इंडिकेटर हैं। इंडिकेटर मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका हेल्थ कैसा है, आप कितना ज़्यादा सौर ऊर्जा यूज़ कर रहे हो, घर में कितना कम से कम वाट की बिजली खपत कर रहे हो, तो ये सब इंडिकेटर हो गए। तो याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य शुरुआत होती है 2012 से, रियो डी जेनेरियो में डिस्कस किया जाता है, इस लक्ष्य को लागू किया जाता है 2015 से। कौन इसको लेके आता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसने कहा कि आप सभी को इसे कंप्लीट करना है 2030 तक। और इसके अंदर आपके पास 17 लक्ष्य हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 169 टारगेट है और साथ ही 247 इंडिकेटर है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो पूरा का पूरा आपको गोल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था, ठीक है। अब दूसरा बात क्या आता है कि ये लोग क्या करते हैं, रैंकिंग देते हैं, ठीक ना, SDG, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का रिपोर्ट आया था, ठीक है, ओ भैया ऊपर जा, रिपोर्ट आया था 2022, एकदम रिसेंट का डेटा बता रहा हूँ मैं आपको, जून 2022। बहुत सारे बुक में आपको पिछले साल वाला डाटा मिलेगा, तो उसको देख के कन्फ्यूज मत हो जाना वरना गलती हो जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसमें इंडिया का जो रैंक हुआ वो कितना मिला, इंडिया को रैंक मिला 121। कितना देश था टोटल, 163 देश था, उसमें इंडिया को रैंकिंग मिला 121। उसके बाद पिछले साल मतलब 2021 वाला आप डेटा देखोगे, बहुत आपको बुक मिलेगा, तो 21 में इंडिया को क्या रैंक मिला था, 120। अगर 2020 में देखोगे तो मिला था 117 रैंक, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा, 17 से 20 हुआ, 20 से 21 हुआ, ठीक है। और सबसे टॉप में मतलब कौन सबसे ज़्यादा पर्यावरण को, मतलब कौन कम से कम नुकसान कर रहा और इस जो सतत विकास लक्ष्य है उसको पूरा कर रहा, तो उसमें सबसे टॉप कंट्री में हमारा फिनलैंड, FINLAND, फिनलैंड। और ये कैसा है, ये आपका आ गया नॉर्डिक कंट्रीज़ में, ठीक है। फिनलैंड के बाद और कौन कौन है, फिनलैंड के बाद नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, ये सब नॉर्वे है, फिनलैंड के बाद डेनमार्क है, ठीक है, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, फिर स्वीडन हो गया, ये सब आपके हो गए टॉप कंट्रीज़, ठीक है। अब हम आते हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये विश्व लेवल पे ये रैंकिंग था, अब इंडिया लेवल पे क्या करता है, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग जारी करता है रैंकिंग। नीति आयोग क्या करता है, सब स्टेट का रैंकिंग देता है। जैसे टोटल इंडिया में आप देखोगे तो 28 स्टेट हो गए और 8 यूनियन टेरेटरी, दोनों मिला के 36 हो गए, तो सबका रैंकिंग देगा कि कौन सा स्टेट गोल को अचीव करने में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा, उसके अनुसार इंडिया की रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। तो इस बार आप देखोगे ये 2021 का है आपका, तो 2021 में इंडिया को रैंकिंग मिला था 66, ठीक है, इंडिया को जो मिला था। और 2019 में आप देखोगे तो 60 मिला था, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ नीति आयोग जो जारी करता है उसका, ठीक है। अब इसमें अगर स्टेट की देखो तो कोई भी स्टेट अचीवर नहीं था, ठीक है, अचीवर मतलब जिसका स्कोर 100 हो गया, ठीक है, ये 66, 60, 100, ये स्कोर बता रहा हूँ मैं, 100 में कितने नंबर आए, ठीक है, तो 100 नंबर किसी को नहीं आए। अब आप पूछोगे टॉप में मतलब सबसे ज़्यादा नंबर किसको आए, तो
तो सबसे टॉप में है केरला, केरला को कितने नंबर आए, 75 नंबर। सेकेंड पोजीशन में दो स्टेट है, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, दोनों को कितने नंबर आए, 72। अगर यूनियन टेरिटरी में आप देखोगे तो चंडीगढ़ सबसे टॉप में है, ठीक है, चंडीगढ़ फर्स्ट पोजीशन में है और दिल्ली आपका सेकेंड पोजीशन में है, ठीक है। तो ये इतना हो गया आपका, ये तो मैंने टॉप का बता दिया। अब हम आते हैं बॉटम में, तो बॉटम में हमारे भाई भाई हैं, ठीक है। कौन भाई? वही दोनों भाई जो 15 नवंबर 2000 को अलग हुए थे, ठीक है, करण अर्जुन। तो बिहार 28वें नंबर पे है और आपका जो झारखंड है वो आपका 27वें नंबर पे है, ठीक है। अगर आप देखोगे झारखंड का, तो झारखंड को कितने स्कोर मिले हैं भैया, तो 56 स्कोर मिले हैं, ठीक है, इतना याद रखना। और कुछ डेटा है कि झारखंड में आप देखोगे ना 36% लोग माल नोरिस्ट हैं, मतलब एकदम स्टंटिंग के शिकार है, मतलब उनका हाइट वे नहीं बढ़ रहा, ठीक है, इतना उनमें पोषण तत्व की कमी हो गई कि उनका हाइट वेट नहीं बढ़ रहा, ठीक है। और 42% वेट लॉस, मतलब क्या बोलते हैं, अंडर वेट है, उनका वेट नहीं बढ़ रहा, मतलब कुपोषण भारी से भारी है झारखंड में, ठीक है, आप भी देख रहे होगे अपने अगल बगल। तो ये आपका पूरा का पूरा मैंने आपको ख़त्म करवा दिया, नीति आयोग और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशन जारी करता है। तो हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी विकास के लिए निर्धारित पैमाने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में झारखंड किस स्थान पर है, तो झारखंड आपका 27वां स्थान पर। ये किसका डाटा है, 2020-21 का, ठीक है, 21-22 का भी डाटा नहीं आया है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, झारखंड में गरीबी की तीव्रता कितनी है, कितने लोग झारखंड में गरीब हैं, ठीक है। तो देखना आपका जो यहाँ ऑप्शन है 43%, 40%, 65%, 29%, चारों के चारे ऑप्शन आपके गलत हैं, ठीक ना। ये सब पुराना डाटा है, रिसेंट जो डाटा है उसके अनुसार, मैंने कल भी आपको पढ़ाया था ना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग जारी करता है, बहुआयामी जो गरीबी इंडेक्स होता है उसे जो नीति आयोग जारी करता है, तो उसके अनुसार झारखंड में गरीबी की प्रतिशत कितना है, तो वो है 42.16%, ठीक है, 42.16% लोग गरीब हैं झारखंड में। उसके बाद 15वां में हम आते हैं, तो झारखंड में किस जिले में सर्वाधिक गरीबी है, तो कोई भी इसमें सही नहीं होगा, ठीक है। अगर चारों में से अगर हमें देखना जाए तो चारों में से तो हम पाकुड़ को मान सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीब जो जिला है, जो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, वो कौन है, चतरा है, ठीक है, चतरा सबसे ज़्यादा गरीब। उसके बाद करीब कौन है, पाकुड़, चतरा के बाद पाकुड़, पाकुड़ के बाद वेस्ट सिंहभूम मतलब पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद है साहेबगंज, साहेबगंज उसके बाद गढ़वा, ठीक है। चतरा में गरीबी कितना है, 60.74%, ठीक है, और पाकुड़ में 60.66%, ठीक है। चतरा में 60.74 और पाकुड़ में 60.66। अगर सबसे कम गरीबी कहाँ है वो पूछा जाए, तो आपका ईस्ट सिंहभूम मतलब पूर्वी सिंहभूम में है, सबसे कम गरीबी कहाँ है, ईस्ट सिंहभूम या फिर जिसे पूर्वी सिंहभूम कहते हैं, और दूसरे नंबर पे हमारा रांची है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रैक्टिस सेट 8, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिस सेट 9 भी करवा दूँ क्या, चलो कोशिश करते हैं। प्रैक्टिस सेट 9 में हमारा पहला जो है क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति, ठीक है, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है, तो झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी या फिर औद्योगिक नीति जो 2021 में आया उसके बारे में क्या सा, मतलब क्या चीज़ सही है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट बता देता हूँ, ठीक ना, मैंने बताया था आपको कुछ कुछ पढ़ा दूंगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी या फिर औद्योगिक नीति बोला जाए तो झारखंड में सबसे पहले कब आया था, 2001 में।
उसके बाद कब आया? 2012 में। उसके बाद कब आया? 2016 में। और उसके बाद आया आपका क्यों यार 2021 में, ठीक है। तो अभी जो औद्योगिक नीति आया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया, वो कितने नंबर का था? फोर्थ नंबर, मतलब चौथा नंबर का था, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा हो गया जो पिछला औद्योगिक नीति था, मतलब 2016 वाला, वो कब ख़त्म हो गया? क्योंकि जब एक ख़त्म होगा तभी ना दूसरे को लाएंगे, तो वो हमारा ख़त्म हो जाता है 31 मार्च 2021 को, ठीक है। इतना हो गया आपको। तो जो नया औद्योगिक नीति है 2021 है, वो कब से लागू होगा? वो लागू हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2021, लागू होगा इस दिन से। लेकिन पहले कैबिनेट में गया, फिर मंजूरी मिली, तो सब डेट मैं बताते जा रहा हूँ आपको। कैबिनेट की इसको मंजूरी मिली, ठीक है। कैबिनेट से कब पास हुआ, कैबिनेट से कब औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी मिली? तो वो मिली 6 जुलाई 2021 को, ठीक है। 6 जुलाई 2021 को इसको मंजूरी मिली। और फाइनली जो 28 अगस्त है, ठीक है, 28 अगस्त को क्या होता है, इसे लॉन्च कर दिया जाता है कि अब आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी औद्योगिक नीति लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट था आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी के रिगार्डिंग। और दो डाटा और याद कर लो, बाद में अगर आप बोलोगे तो पॉलिसी रिगार्डिंग कुछ बना दूंगा, वैसे आप देख लेना। दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 5 लाख जो लोग हैं उनको रोजगार दिया जाएगा, ठीक है। 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। और 1 लाख करोड़, ठीक है, 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट या फिर निवेश लाया जाएगा, या फिर निवेश का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, चान्हों में, ठीक है, कुछ 3-4 जगह है इम्पोर्टेंट याद रखना। चान्हों, देवघर, उसके बाद आदित्यपुर, उसके बाद धनबाद, उसके बाद बहरगोड़ा, ठीक है। तो चान्हों में आपका फार्मास्यूटिकल, मतलब दवाई वाई का जो होता है ना, उसका पार्क खुल रहा है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल, दवा दारू का पार्क खुल रहा है, दारू नहीं दवा, ठीक है। चान्हों कहाँ पे? रांची में। उसके बाद देवघर में आपका प्लास्टिक पार्क खुल रहा है, ठीक है। देवघर में कहाँ पे? देवीपुर प्लास्टिक पार्क, ठीक है। उसके बाद आदित्यपुर में आपका क्या हो रहा? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर खुल रहा है। फिर धनबाद में गोपालगंज है, वहाँ पे आपको क्या खुल रहा? लेदर पार्क, ठीक है, चमड़े का पार्क खुल रहा। उसके बाद बहरागोड़ा, आपको बताना है कहाँ पे है। बहरागोड़ा में 3000 एकड़ में आपका लॉजिस्टिक पार्क खुल रहा है। लॉजिस्टिक मतलब जैसे कोई यातायात का कुछ चीज़ हुआ, साधन हुआ, तो वहाँ रुकने की व्यवस्था, कुछ उस तरह का लॉजिस्टिक पार्क होता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ आपका पार्क थे। तो अब आपका पहला क्वेश्चन हो गया कि झारखंड औद्योगिक निवेश नीति, ठीक है, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सही है? ऑप्शन ए है, यह नीति 1 अप्रैल 2021 से लागू मानी जाएगी। ऑप्शन बी है, यह 7 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। ऑप्शन सी है, इसमें 5 लाख लोगों को रोजगार एवं 1 करोड़ के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया, या फिर उपयुक्त सभी।
देखिए, इसमें पहला तो कंफर्म सही है, 7 वर्ष का मैंने देखा कहीं तो जिक्र नहीं मिला, मुझे तो हर जगह 5 साल मिला। ठीक है, आप देखना अगर कहीं आपको मिलता है तो, क्योंकि मैंने जहां भी देखा ऑफिशियल वेबसाइट पे वहां 5 साल तक ही, मतलब ये जो है आपका 31 मार्च 2021 से लेके 2026 तक। ठीक है, मार्च 2026 तक ये लागू रहेगा, कौन, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति। उसके बाद ऑप्शन सी भी सही है, इसमें 5 लाख लोगों को रोजगार और 1 लाख करोड़ का निवेश, मतलब इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति में कुल कितने क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की गई है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका हो जाएगा HW। ठीक है, होमवर्क आपको कमेंट करना है कि इसमें क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत जल्द मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा मुझे कहीं जाना है, तो इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जितना पढ़ाया उतना आप रिवाइज कर लेना, और जो जो मैंने क्वेश्चन बोला है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ठीक है, और बताना वीडियो कैसा लगा, अधिक से अधिक इसे दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ कर लेना, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।